ओम शांति। यदि आप आसानी से लोगों के प्रभाव में आ जाते तो इससे आपके ईमानदार रहने की योग्यता कम हो जाएगी। यानी इमोशनली दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं तो आपके ईमानदार रहने की योग्यता कम हो जाएगी। दूसरों को आपसे सत्यता की वैसी अनुभूति नहीं होगी और आपके परस्पर संबंधों में भी प्रेम की भावना नहीं होगी, जिससे वह स्वार्थी प्यार, झूठा प्यार दिखाई देगा। यद्यपि ऐसा झूठा प्यार बिल्कुल प्यार न होने से बेहतर है, क्योंकि इससे कम से कम इतना तो सुनिश्चित होता है कि आप बिल्कुल सूखे नहीं हैं। यद्यपि स्पष्ट है कि यह सच्चा प्यार नहीं है, यानी किसी की बातों में आ जाना, किसी के प्रलोभन में आ जाना, किसी के बहकाव में आ जाना और किसी का बन जाना, तो दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होगा कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और तरफ आकर्षित होता है, किसी और की महिमा करता है, किसी के और के कहे में चलता है। इसलिए अपने इमोशनल स्तर को संतुलित रखने के लिए, इमोशनल मीन्स आईक्यू, बौद्धिक स्तर मीन्स ईक्यू, ये दोनों के बैलेंस को रखने के लिए एसक्यू यानी आध्यात्मिक स्तर अपना ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रतिदिन गहराई से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा कराए जा रहे राजयोग के 7 डेज कोर्स को करके आप इन सभी बातों की गहराई को जान सकते। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया।